रंग मैल में बानिया बोत रहे एक बोल सुने नहीं बानिया का, दरबार में गुनी का नाच नचे नहीं तान देखे गुनी कानिया का। नरे नार मिली प्रजा पावन में नहीं पाओ पैसारा ठानिया का, जग जीवन जिनका पाठ पड़े सोई जीवन राजपुतानिया का। नमस्कार खम्मा घड़ी, जय माता जी। मैं हूँ आप सबकी बेटी किन्नरी बसरिया, और आज मैं आपके बीच में एक ऐसी राजपुतानी की बात लेकर आई हूँ जिनका जीवन सच में ही एक पाठ था। मैं बात कर रही हूँ सलंबर के राव रतन सिंह जी चुड़ावत की पत्नी हाड़ी रानी की। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी और राव रतन सिंह जी चुड़ावत के साथ उनका विवाह हुआ था। उनके विवाह को सिर्फ 7 ही दिन बीते थे और तभी राव रतन सिंह जी के मित्र शार्दुल सिंह उनके लिए संदेश लेकर आए। वह संदेश उदयपुर के महाराजा राणा राज सिंह जी ने उन्हें भेजा था। राणा राज सिंह ने उस संदेश में यह आदेश दिया था राव रतन सिंह जी को कि औरंगजेब की एक सहायक सेना तेजी से मेवाड़ की ओर बढ़ रही है, खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें अपनी सेना के साथ आने के लिए आदेश किया गया। राव रतन सिंह जी अपने समय की कमी के कारण अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और वह खुद अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो उनकी पत्नी ने उन्हें उनकी मंगल कामना के साथ और उनकी सेना के विजय की कामना के साथ वहां से विदा किया। अब हाड़ी रानी ने तो उन्हें भेज दिया था, पर राव रतन सिंह जी चुड़ावत बीच रास्ते में यही सोच रहे थे कि मेरी पत्नी मुझे भूल नहीं जाए और मैं इस युद्ध से वापस आऊंगा, क्योंकि युद्ध का क्या परिणाम होगा ये किसी को नहीं पता था। राव रतन सिंह जी ने इस बात की असमंजस में बीच रास्ते में से ही अपने संदेश वाहक को एक संदेश के साथ रानी के साथ भेजा था। उस संदेश में लिखा हुआ था कि मेरी प्रिय पत्नी, मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम मुझे भूल मत जाना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हो सके तो मुझे अपनी एक निशानी भेज दो ताकि मैं इस युद्ध में उस निशानी को देखकर ही अपना मन हल्का कर सकूं। यह पत्र पढ़कर रानी बहुत उदास हुई। उन्हें बहुत खेद हुआ कि मेरा पति अभी भी मेरे मोह वश में है, मेरे मोह पाश में है। तो रानी ने उस संदेश वाहक से कहा कि मैं एक संदेश और एक निशानी राव को भेज रही हूँ, राव रतन सिंह जी के अलावा कोई और व्यक्ति उस निशानी को देखे नहीं। और यह कहकर रानी कक्ष में चली गई। उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा हुआ था कि मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, आप अपना युद्ध कीजिए, आप अपना फर्ज अदा कीजिए, मैं अब आपसे स्वर्ग में ही मिलूंगी और मैं अपनी ये आखिरी निशानी आपको भेज रही हूँ। यह कहकर एक थाल लाया गया और रानी ने अपनी कमर से एक तलवार निकाली, और अपने हाथों से अपनी गर्दन को अपने धड़ से अलग कर लिया और उस गर्दन को थाल में सजाकर उसके ऊपर रानी की सुहागन की ओढ़नी उड़ाकर उसको राव रतन सिंह जी के पास भेज दिया गया। यह पत्र पढ़कर और यह निशानी देखकर राव रतन सिंह जी बहुत उदास हो गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई पहले तो, और फिर वो उदास हो गए और उन्होंने ये सोचा कि मेरे मोह के चक्कर में मैंने अपनी सबसे प्रिय चीज को गवा दिया। वह ये सोच ही रहे थे और इस उदासी में वो बहुत गमगीन हो गए। इधर युद्ध शुरू हो गया, वह युद्ध लड़ने लगे और इतनी अप्रतिमता से वो युद्ध लड़े कि उस पराक्रम का कोई मोल नहीं हो सकता। राव रतन सिंह जी अपनी आखिरी सांस तक लड़े और औरंगजेब की सहायक सेना को खदेड़ दिया। यह पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है, एक राजपूतानी होने के उस गर्व से। मैं ये कह सकती हूँ कि राजपूतानियों ने वर्षों से, इतिहास से लेकर आज तक, अपने पति को अपने मुंह के जाल में बांधने से ज्यादा उन्हें अपने फर्ज याद दिलाना ज्यादा जरूरी समझा है। हमारे इतिहास में बहुत सारे पात्र हुए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा कर दुश्मन की जान भी ली है और अपनी जान भी गंवाई है, तो हमारे पास बहुत एक उज्ज्वल इतिहास है, हम उसके बारे में ज्यादातर पढ़ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आज
आजकल तलवार का उपयोग बहुत गलत चीज के लिए हो रहा है, क्योंकि तलवार का मुख्य उपयोग दुश्मन की गर्दन को उड़ाने के लिए हो रहा था, वहां अभी वह हम लोग उससे केक काट रहे हैं। ये मैं किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या किसी जिले या किसी राज्य या किसी किसी कस्बे के बारे में बात नहीं कर रही, ये मैं हर जगह पर, मैंने कई जगह पे ये देखा हुआ है कि ये तलवार से केक काटते हैं और फिर एक दूसरे को वो लगाते हैं। वो तो मुझे मैटर नहीं करता, पर आप तलवार से केक क्यों काट रहे हैं? तलवार के दो नियम है कि अगर तलवार को म्यान से निकाला जाए तो उसके ऊपर या तो रक्त चढ़ाना पड़ता है या उसे किसी लोहे से टकराना पड़ता है। पर हम अभी जो कर रहे हैं उसे खाना काटना, वो ठीक बात नहीं है। तो आप सब लोग मेरी ये बात समझेंगे और इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के इतिहास के कई पात्र हैं जिनके बारे में मैं पढ़ चुकी हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। आपके पास अगर कोई सजेशंस हो तो वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इस वीडियो में भी कोई क्षति रह गई हो तो उसके बारे में भी मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सकें। और ज़्यादा तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो हो रिव्यू आपका, वो सब कुछ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये लगे कि मुझे और आगे कुछ पात्रों के बारे में बोलना चाहिए तो आप अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता जी, नमस्कार, हम आगे हूँ।